तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेल पे बनता है, क्या बनता है। तो ईआरपी टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो हम बायर सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम एक एक्सेल ऐसा फाइल बने जो एक शॉप के ऊपर वर्क हो जाए शॉप के लिए। तो जैसे कि मैंने अलग अलग शीट्स बनाए हैं। सबसे पहले होम है जहां से मैं ये करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा हमारा होता है स्टॉक, तो सबसे पहले स्टॉक आता है, मतलब कि हम अपनी स्टॉक की एंट्री करते हैं। दूसरा आता है कस्टमर, जहां पर मैं कस्टमर का लिस्ट होता है। तीसरा आता है फिल स्टॉक, मतलब कि जो हमारे स्टॉक इन होते हैं उसका। तीसरा हमारा सेल, जो हम सेल करेंगे उसकी एंट्री, बिल वगैरह प्रिंट करना उसकी एंट्री। इसके बाद आता है पेमेंट, अगर आप लेते हैं उसकी हिस्ट्री, स्टाफ के अटेंडेंस और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं सबका यहाँ पे रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी जो पहले से इससे पहले वाले बैच में मैंने पहला शीट बनाया है, जो कि मेरी वेबसाइट iptindia.com से जाएंगे या फिर इस पे जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो पहला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हम दूसरे पार्ट की बात करें कस्टमर। तो पहला पार्ट क्या है, एक बार मैं क्लिक करके जाता हूँ। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट अपने शॉप में लाते हैं तो उसका यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि क्लिक टू न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके 4 दे दिया। अब मैं यहाँ पे अपना नया प्रोडक्ट डालता हूँ, जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे शुगर डाला। आज ये पे आ रही है साइज, इसका मान लीजिए कितनी क्वांटिटी है, मतलब तो 100 है। क्या केजी में है या यूनिट में है, तो केजी में है। और इसकी एमआरपी पर केजी क्या होगा पर यूनिट, तो हमने इसका बोल दिया 34 रुपीज की एमआरपी होगा। हो गया। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया, क्लिक टू न्यू, ये पूरा ब्लैंक हो गया और यहाँ नीचे शुगर आ गया। दूसरा मान लीजिए मुझे मान लीजिए कि मेरा जो 2 नंबर प्रोडक्ट है राइस जो है वो 20 रुपए से रेट इसका बढ़ के 35 रुपए हो गया है मान लीजिए, तो क्लिक टू एडिट, यहाँ पे 2 नंबर दिया एंड ओके किया। अब 20 को मैं 35 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज क्लिक करता हूँ, तो देखिए 20 हमारा 35 हो गया और थोड़ा क्लीन। तो इसमें क्या होगा कि यहां आपके प्रोडक्ट यहां पे रहेंगे, नया प्रोडक्ट एंट्री हो रही है। तो मैं एक काम और इसमें और भी चीजें नया ऐड करना है, जैसे कि इस पे जो नीचे है ये सब चीजें पे चेंज नहीं होगा, चेंज ऊपर से ही होगा। स्क्रॉल जो हो रहा है ये नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। इसमें रिव्यू में जाके यहाँ पे रिव्यू नहीं सर, व्यू में होता है फ्रीज पेंस कर दीजिए। तो अब जो है ठीक है सर, ऊपर ही रहेगा सर। और यहाँ पे और भी चीजें जो डालना है हम डालेंगे, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, फिलहाल हम कस्टमर में आते हैं। तो मुझे कस्टमर, देखिए कस्टमर क्यों डालते हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं। हम जो सेल करेंगे तो सेल में एक तो होगा कैश, मतलब कि जो कैश खरीद के ले गया वो हो गया। दूसरा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर को दे रहे हैं कैश या क्रेडिट पे, समझ गए ना। एक और फिक्स कस्टमर है हमारे, तो फिक्स कस्टमर कभी हमारे कैश खरीद लेते हैं, कभी हमसे क्रेडिट ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो दोनों की एंट्री हमें यहां पर होनी चाहिए, समझ गए। तो कस्टमर लिस्ट में आते हैं, तो कस्टमर लिस्ट में पहले सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। मैं सिस्टम में लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ हमारा आता है सबसे पहले तो सीआईडी, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, उसका पिन नंबर, नहीं सिटी तो पिन नंबर होगा ना, एड्रेस सिटी एंड पिन नंबर, ये हो गया, एंड मोबाइल नंबर हो गया। एक कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद बाय, कितना उसने बाय किया, रिटर्न, अगर उसने कुछ रिटर्न किया है तो रिटर्न कितना किया है, रिटर्न का ही पेज बनाना पड़ेगा। अगर रिटर्न करता है, रिप्लेस रिटर्न होता है, तो मैंने सीरीज की बनाई नहीं है, उसकी बनानी पड़ेगी। फिर फिलहाल रिटर्न डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पे इसने अमाउंट
एंड पे, हाँ पेमेंट, और पेमेंट आ गई, कितनी पेमेंट आई है इसकी। जैसे कि मान लीजिए उसने, मान लीजिए 5,000 का बाय किया, रिटर्न जीरो किया, तो अमाउंट उसका 5,000 हुआ, ठीक है। तो उसने पेमेंट कितना अमाउंट किया और ड्यू कितना है, और यहाँ पे हाँ ड्यू कितना है, तो ए एंट्री होगी इसकी। लेकिन ए जो है बायर तक जो है ये तो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आएगा हमारे सेल से, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो ए अलग पार्ट हमारा होगा। ठीक है, और ए हमारा जिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, जिसकी एंट्री हम करेंगे, ये हमारा अलग पार्ट हो गया, दो अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे दो बटन्स बनाए हैं, सेम यहाँ पे हमें दो बटन्स बनाने होंगे। समझ रहे हैं सर कि नहीं? तो बटन आप यहां से भी बना सकते हैं, ये जो बटन दिख रहा है इस बटन को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इसी बटन को यूज करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें माइक्रो बनाना पड़ेगा। तो पहला जैसे यहाँ पर बनाना, क्लिक ए न्यू, तो ऐसे यहाँ भी बनाना हो न्यू, तो चलिए इसके लिए हम माइक्रो लिखते हैं। तो विजुअल बेसिक पे आते हैं, तो ये पहला जो, सॉरी एक मिनट, ये कुछ और आ गया, ये पहला मॉड्यूल हमारा, मान लीजिए हर सीट के लिए अलग अलग मॉड्यूल चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होना चाहिए क्या। हेलो, इस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे मॉड्यूल वन के जगह पे मैं डाल देता हूँ कस्टमर प्रोडक्ट, स्टॉक पहले से एरर है स्टॉक, और फिर मैं नया एक मॉड्यूल बनाता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ कस्टमर। इसमें और भी बहुत सारे माइक्रोज लगने वाले हैं। एक कस्टमर के स्पेलिंग गड़बड़ है, हाँ कस्टमर। अब कस्टमर में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट एड न्यू CST कस्टमर, ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया नाम। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो, यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए, इसकी जो भी आईडी है, यूनिक आईडी आ जाए, जो नया होने वाला है यूनिक आईडी है। तो सिंपल सा हमें एक डिम लेना होगा, सी आई डी एज ए लॉन्ग, ठीक है, सी आई डी एज ए लॉन्ग हमने कर दिया, और फिर हम यहां सी आई डी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, यहां देता हूं मैक्स, मैक्स में हमने लिया रेंज A16 से लेके A65,000 या ज्यादा भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि मुझे इसमें जितना भी डेटा है उसकी मैक्सिमम नंबर दे देगा कि पहले से कितना नंबर एडेड है, समझ गए। फिर यहां होगा रेंज A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू CID+1, समझ गए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहां इंसर्ट ये करता हूं, बटन ड्रैग करता हूं, और मैं यहां पे ऐड न्यू कस्टमर ले लिया, बटन वन के जगह पे मैं करता हूं यहां पे क्लिक टू ऐड, ठीक है, क्लिक टू एड न्यू, इस पे क्लिक करते, यहां पे वन आ गया।
अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कि पूजा खानपुर दिल्ली 11 0062, और मोबाइल नंबर मैं दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, अब क्लिक टू न्यू ऐड आया ना, अब यहाँ पे ऐड कर सकते, यहाँ पे सिर्फ ऐड आना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे लिखना होगा, हमारा देना होगा कौन सा सीट है हमारा, है इस सीट पे कस्टमर सीट टू है ना, हाँ सीट टू डॉट कमांड बटन, नहीं कमांड बटन नहीं आ रहा, ये रीड नहीं हो पा रहा, नहीं इसके ऊपर हम असाइन कर सकते हैं माइक्रो, इसको कुछ एडिट नहीं कर सकते। एक बार मैं रिकॉर्ड करता हूँ माइक्रो को, और राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे आना चाहिए ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया यार, एक्टिव सीट शेयर रिंग दैट ही डालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट रीड नहीं करता, उसको सैप की तरह रीड करता है। हो गया सर, प्लीज ऐड। अब यहां पे ये देखना है कि अगर यहां पे वैल्यू डली हुई है तो इसको अब क्लिक करते ही ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही बटन से दो काम करवा रहा हूं। पहला काम ये करवा रहा हूं ताकि वो खोज के बताए, नया पीआईडी नंबर डाल दे, फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ, ठीक है ना। क्या होगा कि अभी मैंने इसमें डाला नहीं है, आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि मैं इसको ये रखूंगा, मैं कोई भी आके ऐसी चीज नहीं करेगा, प्लीज ऐड पे क्लिक करेगा तो इसको एक वैलिडेशन कोड डालूंगा, वैलिडेशन कोड जब वो डाल देगा देन एक्टिवेट होगा राइट करने के लिए, समझ गए ना। तो इसी से आगे किसी तरह की एंट्री ना कर दे, समझ गए, उसको एंट्री खाली नहीं कर करो, दो, लेकिन फिलहाल मैंने उसको उसको खाली कर खाली। दे तो कोई एंट्री होने की जरूरत ही नहीं, जब वो नीचे ऐड हो गया वो नहीं, है, तो वो डिलीट हो जाएगा ऊपर। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं कि मैं इस पूरे सीट पे मैं यहीं पे एंट्री करवाऊंगा, उसके लिए सर समझ सेल लॉक करनी पड़ेगी ना रहे पहले। ना। हाँ, वो लॉकिंग प्रोसीजर मैं आगे करूंगा, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पे अगर वैल्यू 1 डाला हुआ है, इसका मतलब है कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो फिर क्या होगा, इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ कोड डालने होंगे कि इफ रेंज, देखिए यहाँ पे एक नया कोड, नया चीज सिखा रहा हूँ, इफ का, इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, देन इस कोड को वर्क करे, अदरवाइज हमने यहाँ पर बोला एल्स, हमारा क्या काम हो, हम यहाँ करेंगे रेंज ए टू से लेके एफ है ना हमारा, हाँ एफ टू डॉट कॉपी, हमने कॉपी कर लिया। फिर हम जा रहे हैं रेंज ए 65,000 या 10 लाख, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने भेज दे दिया पेस्ट वैल्यू, समझे। पेस्ट वैल्यू हो गया, तो वो एल्स की स्पेलिंग और क्या है, फिर क्या हुआ, एल्स की स्पेलिंग? और ठीक कर देता हूं, रेंज ए टू डॉट ए टू नहीं ए, हाँ ए टू से लेके एफ टू डॉट क्लियर कंटेंट्स डिलीट कर देगा, हाँ हो गया। और फिर इस
को जो है कॉपी चेंज क्या था पहले से मॉडिफाई करने का ऐड नहीं क्लिक टू ऐड न्यू ऐड न्यू ठीक है ना और फिर यहाँ पे ऐड और यहाँ पे हमने एल्स जो है ना ठीक है समझ गए। अब एक बार हम करके देखते हैं यहाँ पे हम ऐड ऐड हो गया और हाँ दूसरी चीज क्या है कि अब इसी को मैं प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस कंट्रोल में आता हूँ अलाइनमेंट साइज प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज मार्जिन और फॉन्ट इसकी बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज की जा सकती है ब्लू कर देता हूँ फॉन्ट की साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बैकग्राउंड ठीक है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे डाल दो रेंज हम किसी और शेप पे भी कर सकते हैं मैक्रो ना क्या बोले सुन पाया मैं किसी और शेप पे भी मैक्रो असाइन कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं तो मैं पहले शेप पे तो मैंने शेप पे ही किया है तो इसमें अलग कर दिया बदल दिया ताकि सब कुछ सीखने को मिले क्योंकि मैं यहाँ पे तो प्रोजेक्ट मैं किसी के लिए बना नहीं रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ ना जी 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 बिल्कुल तो वीवी ब्लू तो पता चले कि ब्लू है तो ब्लू ऐड होगा ठीक है और यहाँ पे ब्लू तो यहां से क्या हुआ जैसे क्लिक टू न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे रेंज आ गया अब मैं जो भी एंट्री करूंगा मैं यहाँ लिख दिया ओम यहाँ पे ले देता हूँ रवि यहाँ पे दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली 41 006 2 और मोबाइल नंबर 8268280 93 अपना ही हाथ है तो अपना ही डाल देता हूँ फिर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए आ गया ये ऐड पे क्लिक करने के बाद सर ये ऐड पे क्लिक करने के बाद ये जो क्लिक टू ऐड न्यू आ रहा है उसमें वो ऊपर पूरा का पूरा वस्त्र वाला आ रहा है जैसे कि शेप नया लगाते हैं ब्लू की जगह पे एक्सेल नाम कर देता हूँ कलर हट जाएगा मतलब कि जब मैं क्लिक टू किया 3 आ गया नया एंट्री करता हूँ इंदर एड्रेस दे दिया दक्षिणपुरी सिटी में दिल्ली पिन नंबर 11262 और 47 जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ ठीक है परफेक्ट है सर ये जो अभी क्लिक टू न्यू में ये पूरा का पूरा वो नया ब्रॉड और उसको छोटा बड़ा करने वाला आ रहा है वो क्यों आ रहा है इससे पहले समझे क्या बोल रहे इससे पहले ना जब आपने इसको क्लिक टू ऐड करा था उसके बाद क्लिक टू ऐड न्यू वाला जो आ रहा है कमांड बटन वो उसमें वो ऊपर फॉर्मेटिंग का आ रहा था एक और ऐड करके दिखा जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये जो चारों तरफ आ रहा है ना सर वो सिलेक्टेड है इसलिए हो रहा है तो ऐसा आपको लग रहा है तो आप इसको कर्सर को यहाँ B2 पे कर दीजिए ना रेंज B2 और सेलेक्ट ठीक है ओके 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 एक जब एक कमांड हो गया हमारा समझ में आ गया आप लोगों को विदाउट इसमें हेलो नहीं सर ठीक है सर बोले कुछ वो कुछ बोल रहे थे सर हाँ सर मैं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सर वो मैक्रो दिखाई नहीं कर रहा था ये मैक्रो में आपने जो फर्स्ट के डिम सीआईडीएस लॉन्ग
इफ रेंज ए टू वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन, तो इसको रन करेगा। तो सी आई डी एप्लीकेशन आपने जो दिए हो मैक्स रेंज है, इसमें आपने शीट को तो डिफाइन नहीं किया, क्योंकि जब मेरा जो माइक्रो रन होगा वो बटन पे क्लिक करने से रन होगा ना सर। हाँ, तो बटन पे क्लिक करने के लिए आपको कस्टमर को एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो मतलब वो शीट पे आना ही पड़ेगा हम लोग, राइट? ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक शीट में आ जाके आप कस्टमर के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं मैं। अच्छा अच्छा, तो कस्टमर सीट को लॉग इन करेंगे तभी तो इसको क्लिक करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे तो वही सीट एक्टिवेट है। तो क्या हाँ सर, वो जो मैक्रो का आपने जो पहला पार्ट लिखे है ना, जैसे एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना बस, स्टेप टू स्टेप। पहला पार्ट देख, सबसे पहले हमने एक लॉन्ग डिफाइन किया, ठीक है? फिर हमने चेक किया कि ए टू की ब्लैंक जीरो तो नहीं है ना, इससे पहले से कोई सी आई डी डली थी तो नहीं? अगर सी आई डी डली हुई है मतलब कि उसी की एंट्री करना है इसको, ठीक है? तो अगर सी आई डी नहीं डली है, जीरो है, तो तुम पता करो कि इसकी लास्ट सी आई डी क्या है, मतलब कि लास्ट सी आई डी कस्टमर आई डी है क्या। तो उसके लिए मैक्स का फॉर्मूला लगता है, तो मैक्स के फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम नंबर क्या है, क्लियर, राइट? बट क्या है कि मैक्स फॉर्मूला डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसको मैंने एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स से इसको मैंने कॉल किया, ओके? उसके बाद फिर मैंने बोला कि रेंज टू पे जाओ, तुम सी आई डी टाइप कर दो, लेकिन सी आई डी अगली सी आई डी देखिए थ्री है तो फोर हो गए, इसे प्लस वन हमने कर दिया। अच्छा। फिर हमने बोला कि सैफ एक्टिव सीट की सैफ रेंज जो एक्टिव बटन है उसको सिलेक्ट करो, उसका जो करेक्टर है करेक्टर टेक्स्ट जो है वो प्लीज एड में कन्फर्म करो, ताकि पता है रेडी टू एड, ठीक है ना? मतलब कि इससे पहले वाला बटन, इससे पहले वाला जो होगा क्लिक टू ऐड होगा, तो इस पे क्लिक करके इसमें और भी हम कोड आगे से डालेंगे कि भाई अनप्रोटेक्ट कर दे, एक्टिवेट कर दे, टाइप करने के लिए रेडी कर दे, वगैरह वगैरह हम डालेंगे। फिलहाल मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उस सब चीज से बनने के लिए एलिजिबल नहीं आप। अच्छा सर जी, आगे की क्लास में समझाऊंगा बीच बीच में। अच्छा सर जी, एक पूछना था, तो उसका कलर कंप्लीट हो जाए, उसका कलर जो है ब्लू हो जाए और B2 को वापस सेलेक्ट कर दे। जी सर। अगर वो जीरो नहीं है, जीरो से बढ़ाने से कुछ नंबर, A2 पे कुछ नंबर डला हुआ है, इसका मतलब है कि वो डेटा ऐड करना है, बटन पे क्लिक करने पे डेटा ऐड करना है। मैं एक ही बटन पे दो बटन पे काम ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जी जी जी। तो जीरो हुआ तो इस कोड को परफॉर्म करेगा, जीरो से बढ़ा हुआ तो इस कोड को परफॉर्म करेगा, कॉपी करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, सबसे लास्ट में आके पेस्ट स्पेशल कर देगा वैल्यू, ठीक है? फिर A2 से F2 जो ऊपर है उसको पूरा क्लियर कर देगा जी, ठीक है? फिर उसकी सैफ जो है, जो बटन है, बटन का नाम चेंज कर देगा क्लिक टू ऐड, और फिर उसका इंटीरियर कलर भी हटा देगा, ठीक है? और इस पे मैं इसकी जो इस पे टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। समझ गया जी सर। तो मुझे ना सर दो चीज पूछनी है इसके अंदर, अगर से कोई बंदा यहाँ पर आपकी जो शीट आपने बनाया हो उसमें अगर मल्टीपल एंट्रीज ऐड करता है, जैसे ऑलरेडी थ्री है या टू है, तो उसको टू की एंट्रीज को वापस ऐड कर, हाँ, तो उसके लिए, हाँ मैंने बताया इसमें अभी मैंने आपको स्टार्ट किया है, अगर मान लीजिए वो ऑलरेडी, सबसे पहले बात है कि ए टू को एडिट नहीं कर पाएगा जी, पहली बात जान लीजिए जी जी। A2 validate, अभी validate नहीं किया है, बट मैं आगे कोड्स इसको validate कर दूंगा, मतलब कि वो सिर्फ entry यहाँ पे डालेगा। इसलिए तो किया हुआ है कि पहले आपको क्लिक टू एड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सारा एनेबल करेगा, टाइपिंग करने के लिए एनेबल करेगा। हाँ। आपका कर्सर इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, वो मैं आगे क्लास में समझाऊंगा आपको कि कर्सर जो है इसके आगे कहीं, मैं इन चारों के अलावा कहीं कर्सर सिलेक्ट ही नहीं कर सकते आप, समझ गए? और स्क्रॉल के लिए भी मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने रिव्यू में गया और इसको मैंने कर दिया फ्रीज पेन, विद रिव्यू में फ्रीज पेन कर दिया जी। तो आगे की क्लासेस में बताऊंगा आपको मैं कि भाई इसमें डुप्लीकेट एंट्री होने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि आप सीआईए नंबर दोबारा डाल ही नहीं रहे हो, नया डाल रहे हो जी।
गए। हाँ जी सर, अगर अब अगला जो आप लोगों को का बोलिए सर, जहाँ पे आपने क्लियर कंटेंट दिया है, अगर वही टर्म क्लियर ऑल कर दे तो कलर वलर सब ब्लैंक हो जाएगा, तो फिर और भी फॉर्मेटिंग हटा देगा ना इसे कलर। इसमें क्या है, आपको इसकी व्हाइट है, इसका फॉन्ट कलर व्हाइट है, फॉन्ट की साइज बड़ा है, वो सब चेंज करने पड़ेंगे, फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे ना कोड, समझेगी नहीं? क्लियर ऑल क्लियर सब कुछ क्लियर कर देगा ना, वही वही पूरा नया बन जाएगा ना, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आएगा एडिट कस्टमर इन्फो, ठीक है। अब मुझे अगला जो हमारा है इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, इसकी जो राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट कंट्रोल, और इसको मैं फॉन्ट इसको ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन कर दिया, ठीक है। जो साइज भी बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिएगा। अब आपका अगला आपको क्या करना है, आपको अभी इस बटन के लिए मैक्रो क्या करना है, राइट क्लिक करके आप असाइन मैक्रो कीजिएगा तो मैक्रो ऐड कर सकते हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। अब आप लोगों को इस फाइल के लिए क्या मैक्रो बनाना है, आप एक मैक्रो बनाना है जो प्रीवियस कस्टमर, जैसे कि इसमें है, यहाँ देखिए जब मैं प्रोडक्ट इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछता है नंबर, PID नंबर, ठीक है ना। मैं पे नंबर 3 डाला एंड ओके किया तो पूरा रिकॉर्ड आ गया, आ गया। अब मैं जैसे कि वीट का जो है यहाँ पे 25 रुपए केजी का रेट चल रहा है, बढ़ के 27 रुपए हो गया, 27 रुपए पे क्लिक किया और चेंज पे क्लिक किया तो ये देखिए 27 यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब किसी कस्टमर ने क्या हुआ कि मोबाइल नंबर चेंज हो गया हुआ, तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर डालेंगे, डालते ही उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे उठ के आ जानी चाहिए, मैसेज बना हुआ है जी इनपुट बॉक्स, ये ऑलरेडी आप देखेंगे स्टॉक सीट में नीचे बना हुआ है, आपको इसको समझना है। देखिए ये चीज इसलिए बोला हूँ कि आपको कथा कहावत है, नकल में भी अकल होनी चाहिए। तो आप तो ये चीज पहले से बनी हुई है बट डिफरेंट पोजीशंस के, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, रेंजेस कुछ और है, और हर चीज कुछ और है, यहाँ तक कुछ और है, तो आपको इसके मैक्रो को इस मैक्रो पे इंप्लीमेंट करना है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाए। जी हाँ, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो right. मैं आप लोगों की ईमेल करता हूँ, मुझे संजय गांधी, हाँ यही है, और दूसरा एक मोमेंट देख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मोमिन स्पेलिंग आपका क्या है, MS डॉट ऊपर ऊपर वाला ना, हाँ वही वाला सर, उसके बाद यही है सर, मैं तो सागर जी भी आ गए, और कुछ छूटा तो नहीं है, प्रवीण छूट गया, वो आए नहीं है, कौन प्रवीण, प्रवीण नहीं आया, ओके डाउनलोड में, ठीक है जी सर, चलिए अब आगे क्लासेस ऐसे ही होगी सर, गुड समझ गया ना, इसी 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 तरह से फिर धीरे धीरे करके हम यूजर फॉर्म में भी जाएंगे सर, जो आपने ऊपर, ओके ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।